फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पिजन का इंडक्शन कुकर, जिसमें सभी प्रकार के बर्तन, अल्मोनियम हो चाहे स्टील, सभी प्रकार के बर्तन उसमें यूज कर पाएंगे आप। और जैसे कि देख रहे हैं मेरे पास ये मॉडल, नया मॉडल आया है, ये 2200 वाट का ये मॉडल है। तो चलिए इसको हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बारे में बताते हैं आपको कि किस तरह से इसे यूज करना है, इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पिजन कंपनी का एक नया मॉडल आया है 2200 वाट का रेडिएंट इंफ्रारेड कुकटॉप, जिसमें आप सभी बर्तनों को चढ़ा सकते हैं, चाहे वो स्टील हो या फिर एल्युमिनियम हो या फिर और भी कोई भी बर्तन है, वो सारा आपको चढ़ जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ का रिव्यू चाहिए, उसको हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी अनबॉक्स करके उसका रिव्यू बनाने का। तो फ्रेंड्स, चलते हैं रिव्यू करते हैं इस प्रोडक्ट को। मेरा नाम है राज और मेरे साथ है प्रेम, दोनों मिलकर रिव्यू करते हैं। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं हम लोग और देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या मिलता है हमें और किस तरह का इसका फीचर्स है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं काफी अच्छा है और देखने में काफी अच्छा लग रहा है। चलिए इसे अनपैक कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें खास बात यह है कि मुझे देखने के लिए फर्स्ट में मिला कि इसमें दो पकड़ने वाला साइड में काफी अच्छा है, कहीं भी उठा के आप रख सकते हैं। और इसके साथ मिल जाता है यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड इसी में है, जैसे कि यहाँ आपका जो भी है फिलअप हो जाएगा इसमें। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बॉडी के बारे में। तो नीचे से जो बॉडी है इसकी, ये पूरी तरीके से स्टील की बनी हुई है, जो काफ़ी अच्छी मजबूत है, और साथ में इसको पकड़ने के लिए दो हैंडल भी दिए गए हैं दोनों तरफ। और ऊपर से जो इसकी प्लेट है, ये ग्लास टॉप है और साथ में सिरामिक प्लेट इसको लिखा गया है, जिससे काफ़ी अच्छा मजबूत लग रहा है ये। और इसकी मेन कॉर्ड की लंबाई भी अच्छी है, 1 मीटर से ऊपर ही है, काफ़ी मजबूत मेन कॉर्ड है। इसमें भी पिजन का लोगो लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं सभी तरफ से। साथ में इसका जो स्टैंड है ये भी काफ़ी मजबूत है। अब बात करते हैं इसके, एक कंट्रोल पैनल अलग से दिया गया है जो पहली बार इसमें दिखाई दे रहा है। इस तरह के किसी भी इंडक्शन में ऐसा रहता नहीं है। ये है आपका टेम्परेचर कंट्रोल, जिसे आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और ऑन ऑफ के लिए जो दिया गया है ये सारा टच में है आपका, काफ़ी स्मूथ टच ये है। एक प्लग में लगा के एक बार इसको देखते हैं, ठीक कर देगा एक बार। देखिए, अब यहाँ पे इसमें लाइट आ चुकी है और ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये अभी ऑन नहीं है। जैसे इसे टच करेंगे ये ऑन हो गया, फंक्शन इसका स्टार्ट हो गया। और अब क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है इसको बढ़ाना है, इसको जैसे बढ़ाएंगे जैसे, देखिए अभी ये सबसे कम पे है, 100 वाट पे है, 200 वाट, 300 वाट इस तरह से बढ़ेगा। और ये धीरे धीरे लाल हो रहा है और फैन भी इसका स्टार्ट हो गया है। बाकी लाइट आने पे हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। 2000 years later प्लग को इन कर देते हैं, उसके बाद एक बीप की आवाज आएगी और यहाँ पे आपका ये रेडी टू यूज हो गया है। ऑन ऑफ का जो ये लाइट है ये ब्लिंक कर रहा है, इसे ऑन कीजिएगा तो ये अब इसकी मोटर स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद आप सूप, फ्राई, बीबीक्यू और हॉट पॉट जो भी करना चाहते हैं उसे आप प्रेस कर दें। जैसे सूप में ये 1600 वाट में चला जाएगा और ये देखिए रेड हो जाएगा, देखिए धीरे धीरे रेड हो रहा है। और यही अगर फ्राई में कर देते हैं तो ये 2200 वाट में चला जाएगा, सबसे ज़्यादा तेज आँच आपको फ्राई में ही आएगा 2200 वाट। उसके बाद बीबीक्यू में आपका ये 1200 वाट में चला जाएगा, हॉट पॉट में ये आपका 2200 वाट में चला जाएगा। इसके बाद एक इसमें टाइमर भी दिया गया है, जिसमें आप टाइम को सेट कर सकते हैं। टाइमर का काउंटडाउन आपको यहाँ पे दिखाते रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं मैनुअली। तो मैनुअली एक वॉल्यूम दिया गया है जिससे आप इसे कम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं मैनुअली। तो सबसे कम में देखिए 100 वाट से लेके आप इसे बढ़ाते हुए 200, 300,
टोटल 2200 वाट तक ये जाएगा टॉप में अपने, और जबकि इसके बाहर का जो सरफेस है ये बिल्कुल भी हीट नहीं होता है, जो इसके अंदर का सरफेस है सिर्फ यही हीट होता है। और फ्रेंड्स सेफ्टी फीचर्स का बात कर ले तो इसे रेगुलर आपको 45 मिनट तक ही यूज करना है, ज़्यादा यूज कीजिएगा तो इसमें प्रॉब्लम आएगा क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सारा तरफ हीट फैलने लगेगा तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंपनी का ये डायरेक्शन दिया गया है कि इसे 45 मिनट तक ही रेगुलर यूज करना है और उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। कुछ देर के लिए बंद कर लीजिए 10-15 मिनट के लिए क्योंकि वो कूल हो जाए। हाँ, और जब भी अगर आप स्विच से आपको कभी ये ऑफ नहीं करना है, कभी भी आपको ऑफ करना है तो ये पावर ऑन ऑफ से ही पावर ऑफ करना है आपको, नहीं तो क्या होगा, क्योंकि इसको ठंडा करने के लिए नीचे फैन चलते रहता है तो फ्रेंड्स ये गर्म रहता है तो इसे और यहाँ से ऑफ कीजिएगा तो कुछ देर में ये इसको ठंडा करेगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट स्विच से ऑफ कर देते हैं तो ये हीट रहेगा, उससे क्या होगा कि धीरे धीरे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स कभी भी आप ऑफ कर दिए हैं और लग रहा है कि हमको थोड़ा सा पानी गर्म करना है हल्का, तो क्या करना है आपको, नॉर्मल इसे स्टार्ट नहीं करना है, बंद में ही यहाँ पानी आप रख के बर्तन रख दीजिए, 2-3 मिनट इसमें छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा आपका नॉर्मल जो पानी होता है पीने लायक वो हो जाएगा आपका गर्म। तो ये इसकी क्वालिटी है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ऑफलाइन में ये आपको काफ़ी सस्ता है, ऑनलाइन में तो अभी काफ़ी ज़्यादा रेट इसका दिख रहा है, 4500 रुपये ऑनलाइन में इसका रेट अभी है, और ऑफलाइन में आपको ये 3500 से 3800 रुपये के लगभग में आपको आराम से मिल जाएगा, कहीं पर भी हमारे पास भी अवेलेबल है अच्छा खासा स्टॉक इसका। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी मॉडल का आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।